मेरा नाम संतोष है और मैं बिहार के एक सीतामढ़ी ज़िले के एक छोटे से गांव से आता हूँ। उस दिन मेरे मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला था और घर के सब बहुत ही खुश थे। समय वही सुबह के 9-10 बज रहे थे, तभी माँ ने आवाज़ लगाया, बबुआ खाना बन गया है, खा लो, और हाँ बाबूजी को भी बुला लो खाने पे, नहीं तो मकई का रोटी बनाए हैं, ठंडा हो जाएगा। इतने में बाहर से एक आवाज़ आई, अरे संतोष की माँ सुनती हो, आज अखबार देखे हैं मगनू के दरवाजे पे, लिखा था मैट्रिक का रिजल्ट आएगा दोपहर में 1 बजे। फिर माँ बोलती है, अच्छा जी तो ठीक है ना, पहले आप दोनों खाना खा लीजिए, फिर हाथ मुंह धो के और चले जाइएगा रिजल्ट देखने। फिर मैं और पिताजी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाते खाते पिताजी पूछते हैं, कहा बबुआ कहा सोचे हो, अब आगे क्या करना है? वैसे मेरे तरफ से तो कोई दबाव नहीं है कि यही बनो या फिर यही पढ़ो, तुमको ना जो मन होगा वही पढ़ना और मन लगा के पढ़ना, लेकिन वैसे कुछ ना कुछ तो सोचे ही होगे। फिर मैं दबे कुचले और धीमे स्वर में कहता हूँ, पिताजी मैं सोच रहा था कोटा जाके और वहाँ नीट की तैयारी करते, और नीट की तैयारी कर एक बड़ा सा डॉक्टर बनने का सपना था मेरा। पापा बोलते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं, इसमें सोचने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है ना, तुम डॉक्टर बनेगा तो इस गांव में सबका इलाज भी हो पाएगा, वैसे भी कोई डॉक्टर नहीं है इस गांव में, देखे थे ना मगनुआ के बेटा को सांप काट लिया था, डॉक्टर के अभाव में ही मर गया वो, अगर तुम डॉक्टर होते तो तुम तो उसका इलाज जरूर कर देते। ठीक है तुम खाना खा के मुँह हाथ धो के सामान पैक कर लेना, मैं बाज़ार जाता हूँ और मंडी पे बाज़ार से आते समय जाऊँगा, मंडी जाके वहाँ धान का रेट पता करूँगा और उसी में धान बेचकर फिर पैसा ले आऊँगा। वो कहते हुए और उसके बाद खाना खाते हुए पिताजी हाथ मुंह धोकर बाज़ार के लिए निकल जाते हैं। वो कहते हैं ना, खुद से ज़्यादा कामयाब लोग अपने संतान को बनाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ मेरे पापा भी मेरे डॉक्टर बनने के सपना को सच करने के लिए पैसा के इंतजाम में लग गए। दोपहर को रिजल्ट आने वाला था, इसलिए 12 बजे से ही पड़ोसियों का जमावड़ा मेरे आंगन में लग चुका था और लगना शुरू हो गया था, और मैं कुमार कंप्यूटर पर रिजल्ट निकलने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने कुमार भैया को अपना रोल नंबर और रोल कोड भी दे दिया था। जैसे ही रिजल्ट आया उन्होंने मुझे बोला, देखो संतोष तुम तो मिठाई लेकर आओ तभी मैं तुम्हें रिजल्ट बताऊंगा, बिना मिठाई खिलाए रिजल्ट मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इतने में ही कहीं से पापा भी आ गए और आते ही पिताजी बोले, अरे कुमार बेटा तुम रिजल्ट बताओ ना, तुमको मिठाई क्या, तुमको तो पूरा भंडारा ही कराएंगे। सबको हम पे बहुत ही भरोसा था, सबको विश्वास था कि मैं प्रथम श्रेणी से पास करके अपने पिताजी का, गांव का, समाज का और सबका नाम रोशन करूंगा। सब यही सोच रहे थे कि मैं कैसे फर्स्ट डिवीज़न से पास हूं, और वो वैसे ही रेडियो पे गाना बजाकर नाचने लगे। ठीक उनके मन के अनुकूल मेरा रिजल्ट 78% रहा और मैं फर्स्ट डिवीज़न से मैट्रिक पास कर गया। मैट्रिक पास करने की खुशी में उस शाम सब खूब नाचे गाएं खाएं और फिर रात को सो गए। अगले सुबह मेरा बैग पैक हो रहा था, मेरे लिए पोहा बांधी जा रही थी, नमकीन बन रही थी और बाबूजी पैसा का हिसाब किताब भी कर रहे थे। तभी मैं उठा, उन्होंने मुझे देखते ही बोला, अरे आओ डॉक्टर साहब आओ, ये देखो तुम्हारे लिए ट्रेन का टिकट कर दिए हैं और तुम्हारा ट्रेन परसों पटना से है, सुबह 11 बजे पटना कोटा, तो आज तुम ना गांव के अपने सभी दोस्तों से मिल लो क्योंकि पटना के लिए कल ही निकलना है, वो तो जानते हो ना कि अगर उस दिन 11 बजे ट्रेन है और सुबह निकले तो कितना जाम रहता है गांधी सेतु पर,
अगर जाम में पकड़ा गया तो फिर ट्रेन वो छूट जाएगा ना। मैं धीरे से स्वर में बोला, हाँ पापा, और ये बात बोलकर ब्रश उठाकर ब्रश करने के लिए निकल गया। इतने में माँ भी बोल पड़ी। उन्होंने बोला, जाके खाना भी समय पर खाया करना, भी नहीं कि पढ़ने लिखने के चक्कर में खाना खाना ही भूल जाना। मैं फिर नाश्ता करके अपने गांव के दोस्तों से मिलने चला गया और फिर शाम को घर आके खाना खा के सो गया। अगले सुबह उठा तो देखा सब कुछ तैयार है, पापा नहा के तैयार बैठे हैं, माँ पराठा लिट्टी सब बनाकर टिफिन में पैक कर रही है। इसके बाद मैं भी जल्दी जल्दी नहा के तैयार हुआ और पापा के साथ बैठकर खाना खाकर अब समय आ चुकी थी घर से विदा लेने की। इस वक्त माँ के आंखों में आंसू बिल्कुल झलक रहा था, लेकिन वह अपने आंखों का आंसू दिखाना नहीं चाह रही थी। और माँ धीमे स्वर में बोली, बेटा अपना ख्याल रखना, पैसे का दिक्कत मत लेना, और हाँ पढ़ाई में जो भी पैसे लगे, जो भी चीज़ की ज़रूरत हो तुरंत बताना, और पढ़ाई के अलावा ना इधर उधर ध्यान मत लगाना। इतने कह के मैं माँ का आशीर्वाद लिया और फिर बस स्टैंड की तरफ अपने पापा के साथ बढ़ने लगा। तभी रास्ते में गांव के पड़ोसी चाचा ताऊ सब मिल रहे थे और सबसे मैं उनका आशीर्वाद लेते हुए बस स्टॉप की तरफ बढ़ते जा रहा था। वहाँ से कुछ ही दूरी पे बस स्टॉप थी, फिर हम और हमारे पापा बस स्टॉप पहुँचे, बस भी वहीं लगी थी। हम दोनों बस में बैठकर निकल पड़े पटना के लिए। शाम को करीब 3 या 4 बजे पटना पहुँचे और फिर नाश्ता कर खाना खा सो गए। अगले सुबह 10 बजे हम रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके थे और पापा मुझे मेरी B7 के 62 नंबर सीट पर बैठा के सारी दुनियादारी समझा रहे थे और बोल रहे थे कि कोटा पहुँच के तुम अपने मौसा के बेटा सूरज को फ़ोन कर लेना, वह तुमको स्टेशन पे आके ले जाएगा, वह पिछले 2 साल से वहाँ रह रहा है, उसको पूरा अनुभव है वहाँ का, और ATM अच्छे से रख लियो ना, सारा पैसा उसी में है, और वहाँ पहुँच कर ही ATM निकालना है, रास्ते में मत निकालना। इतने बात करते करते ट्रेन की सीटी बज उठी और धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ने लगा। मानो ऐसा लग रहा था पूरा पटना पीछे छूट रहा हो और इस कोटा पटना के छोटे से डब्बे में बैठा मैं पटना से कोटा की तरफ धीमे धीरे बढ़ते जा रहा था। डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उस पटना कोटा के पहले सफ़र को मैं निकल पड़ा था। पूरा 26 घंटा का सफ़र तय करने के बाद मैं कोटा स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पे उतरते ही बड़े बड़े टॉपर के पोस्टर्स दिख रहे थे। उन पोस्टरों को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर में खुद को उन पोस्टरों पे देख रहा हूँ। ये सब देख ऐसा लग रहा था मानो अब मैं अपने सपनों को बिल्कुल नज़दीक आ खड़ा हुआ हूँ और कुछ ही कदमों के दूरी पे मेरे सपने हैं। पर अभी तो पूरा क्लाइमैक्स और परिश्रम बाकी ही था। आगे की कहानी अगले अंक में बहुत जल्द आ रही है, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट करें।